તૈયાર રહેશે. ગુજરાત મહિલા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, ત્યારબાદ ભાગ્યલક્ષ્મી મહિલા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, ભાવનાબેન ગોંડલિયા, ભારતીબેન પટેલ, ગીતાબેન ચંદ્રોલા, અને ત્યારબાદ સરદાર પટેલ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના પ્રતિનિધિશ્રીઓ ચેરમેન શ્રી મનીષ ચંદ્રાણી, ઘનશ્યામ રામાણી, હિતેશ રામાણી અને જય વસરાણી તૈયાર રહેશે. અને ત્યારબાદ રાષ્ટ્રીય સહકારી આગેવાન નાસ્કોમના ચેરમેન, નાફેડના વાઇસ ચેરમેન, ગુજકોમના સહકારી ચેરમેન, અમરેલી જિલ્લા મધ્ય સહકારી બેંકના સફળ સુખાની દિલીપભાઈ સંઘાણી, જોરદાર તાળીઓથી આપણે બધાએ અમર ડેરીના પ્રતિનિધિશ્રીઓને વિનંતી કરીશ. ચેરમેન અશ્વિનભાઈ સાવલિયા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર આર એસ પટેલ સર, મેનેજર ધાર્મિક રામાણી, જોરદાર દિલીપભાઈ સંઘાણીના સન્માનને ઉચ્ચાર કરી તાળીઓને નાથી બધાએ માત્ર અમરેલી ગુજરાતની સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં સહકારી ક્ષેત્રમાં આપણને સૌને ગૌરવ અપાયું છે એવા દિલીપભાઈ સંઘાણી, ત્યારબાદ અમરેલી જિલ્લા ખરીદ વેચાણ સંઘ લિમિટેડના પ્રતિનિધિશ્રીઓને વિનંતી કરીશ. દિલીપભાઈ સંઘાણી સાહેબને સન્માનિત કરી આભારી કરશે. ચેરમેન જયંતિભાઈ પાછળિયા, વાઇસ ચેરમેન એમ આર ધાનાણી, મેનેજર બી એમ સેજલિયા, ત્યારબાદ ગુજરાત મહિલા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી વતી ચેરમેન ગીતાબેન સંઘાણી, અરુણાબેન પાલાણી, ભાવનાબેન ગોંડલિયા, તેઓ પણ દિલીપભાઈ સંઘાણી સાહેબનું સન્માન કરશે. ગુજરાત મહિલા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી, ત્યારબાદ ભાગ્યલક્ષ્મી મહિલા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીના પ્રતિનિધિશ્રીઓ પણ સન્માન કરી આભાર કરશે. અમરેલી જિલ્લા મધ્ય સહકારી બેંક
हमारे संघ शिक्षक राष्ट्रीय नेता भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय सरकार जी, हमारे परिवार के हमारे देश के केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री माननीय फसल कुमार रूपाला, हमारे गुजरात के कृषि मंत्री माननीय लक्ष्मण कड़कू, हमारे सांसद माननीय नारायण भाई, माननीय मुख्य समानुभव आप सब भाई बहन, आप सब जानते हैं अमरेली पंचायत बैंक के द्वारा काफी सरकारी योजनाओं के माध्यम से हम कृषि कार्यों को ऋण सुविधा करते हैं। सरकार की मदद से 0% से ऋण अदा कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव में सोशल ऑब्लिगेशन 7 सिद्धांतों में एक सिद्धांत, इस सिद्धांत के तौर यही वार्षिक साधारण सभा में फैसला किया गया कि गुजरात में जो सुविधा है मिल्क सोसाइटी डेयरी की वो अमरेली में दी। अमरेली में आम प्रजा किसान मजदूर पशुपालक को रोजगारी देने के लिए डेयरी होनी चाहिए, इनके लिए अमरेली जिला पंचायत बैंक ने फैसला किया कि यहाँ डेयरी स्थापित हो, तो स्थापना के लिए जो भी आगे आएंगे, जो भी सोसाइटी आ जाएगी, जो शेयर अपनी डेयरी पे रुकेंगे उनको अमरेली पंचायत बैंक की ओर से हर साल 10% ऋण के रूप में वापिस देंगे, को सुरक्षित किया गया और अमरेली में अमर डेयरी अमरेली जिला परिषद की स्थापना हुई और उनकी वजह से आज पूरे जिले में जो रोजगारी प्राप्त हो रही है, इसी रोजगारी के तो सरकारी योजनाओं भी यहाँ हम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जब आए तो इसी अमर डेयरी को अश्विन भाई के नेतृत्व में जो काम कर रही है और इनमें मैं और डायरेक्टर और चेयरमैन सिंह भाई लोकतंत्र में कई दिशा में काम करने के लिए और इनमें अधिक प्रोजेक्ट के लिए मधुमक्खी के लिए 20 करोड़ रुपए के नई रोजगार शुरू करने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है और इसके लिए हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। अगले दिनों में जैसे दूध से जुड़े हुए लोगों को रोजगारी मिलती है, वैसे ही मधु से मधु से आप सबको रोजगार प्राप्त हो वो भी आप सब इतने लाभान्वित हो, मुझे ये खुशी है। सरकार के सिकाई जो किसानों के लिए सूर्य प्रकाश से खेतों में विद्युत प्राप्त होने मार्जिन के लिए आपको जरूरत होगी वो अमरेली पंचायत बैंक से तुरंत उपयोग करके व्यवस्था की जाएगी, आप उसका सब लाभ उठाइए। कोई नियमित के साथ आपको धन्यवाद खूब आभार दिलीप भाई संगठन साहब। त्यार माननीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अपनी वे उपस्थित है तरह अपना बड़ा दस्ते विधित योजना विधित स्कीम लाभार्थियों चेक वितरण मंत्री रूपाला साहब दिलीप संघाणी साहब ने विनती करीश के तेओ गृहप्रधान राजनाथ सिंह जी ने उपस्थित रखी। सर्वप्रथम बैंक चेक वितरण ₹2,00,000 चेक वितरण लाभार्थी शिल्पाबेन संजयभाई सालविया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत ये हमारे लाभार्थी है। राजनाथ सिंह जी सर मैं आपसे विनती करता हूँ हमारे सभी लाभार्थी को अपने हाथों से चेक वितरण करके लाभार्थी को योजना का संपूर्ण लाभ देकर आभारी करें। सर्वप्रथम शिल्पाबेन संजय सावलिया प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, त्यार बाद वासुदेव बाबू भाई मेशिया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
सुनील वासु भाई बाबू भाई कैशिया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नो लाभ रूपया 2 लाख रूपये अर्पण कर आभारी करते त्यार बाद भरत भाई धीरुभाई कीकाणी पर्सनल एक्सीडेंट वीमा पॉलिसी ना लाभार्थी भरत भाई धीरुभाई कीकाणी पर्सनल एक्सीडेंट वीमा पॉलिसी ना चेकना लाभार्थी त्यार बाद माइक्रो एटीएम वितरण में लाठी सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड वालजीभाई नारायणभाई चढ़ाणिया प्रमुख और रमेशभाई दीखाभाई बारिया मंत्रीशी अत्र उपस्थित से माननीय राजनाथ सिंह जी और महानुभाव से मैं विनती करता उसको भी ये मशीन टेक्नोलॉजी के अति आधुनिक आयाम देकर योजना का शुभारंभ कराते हैं। जोरदार तालियों की आपने बताइए आ सम्मान पर बताइए त्यार बाद श्रेष्ठ दूध उत्पादक प्रोत्साहन इनाम वितरण એમાં પ્રથમ ક્રમાંકે હર્ષદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ગિરાણી મગસરા શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતા નંબર ડેરીને સહકાર આપી સહકારિતાનો વિચાર કર્યો છે એવી શ્રેષ્ઠ મંડળી હર્ષદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ ગિરાણી મગસરા અને ભરતભાઈ પ્રાંતિભાઈ હિરપરા ખાન કિચડિયા શ્રેષ્ઠ દૂધ ઉત્પાદક પ્રોત્સાહન યોજના કે વિનર્સ હૈ શ્રેષ્ઠ દૂધ ઉત્પાદક હૈ જોરદાર તાલીઓ થી આ સન્માન ને પણ બધાવી હર્ષદભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ હિરાણી ભરતભાઈ પ્રાંતિભાઈ હિરપરા ત્યારબાદ ગુજરાત સરકાર દ્વારા સબસિડાઈઝ ડેરી ફાર્મિંગ યુનિટ નો વર્ક ઓર્ડર જેમને પ્રાપ્ત થયેલો છે જયસુખભાઈ દીખાભાઈ સાવલિયા અમૃતવે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સબસિડાઈઝ ડેરી ફાર્મિંગ યુનિટ અને ત્યારબાદ અબર ડેરીની પર્સનલ એક્સિડેન્ટ વીમા યોજના હેઠળના ચેક વિતરણમાં શુકલભાઈ નાથજીભાઈ બારીયા 12 પટોળી શુકલભાઈ નાનજીભાઈ બારિયા 12 પટોળી અને કનોભાઈ દાદુભાઈ લાખોત્રા 12 પટોળી અશ્વિનભાઈ ત્યારબાદ શ્રેષ્ઠ અમરદાનનો વેચાણ કરેલ મંડળીને પ્રોત્સાહન ઇનામ જેસિંગપરા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી જેસિંગપરા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળી લિમિટેડ રાજુભાઈ માંગરોળિયા સંગઠન કરીશ ચેરમેન શ્રી અશોકભાઈ સાવલિયા માનની શ્રી રાજનાથસિંહજી આ શ્વેત ક્રાંતિના પ્રતિક સંગીના સંગઠન આભારી કરશે દલિત ચેતના રથ મુગનો વિમોચન માટે જેમના પ્રમુખ શ્રી તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન શ્રદ્ધભાઈ લાખાણી દ્વારા કાર્યાલય અને દલિત ચેતના રથ સમગ્ર ભારતમાં સમગ્ર ભારત મેં પહેલી બાર દલિત ચેતના રથ કા શુભારંભ કિયા થા ઉભો કે ગુમ કા વિમોચન કરકે આભારી કરે શૈલેશભાઈ પરમાર અને શરદભાઈ લાખાણી તાલીઓ થી બનાવીએ માનનીય મંત્રી શ્રી પરસોભાઈ રૂપાલા સાહેબ માનનીય રાષ્ટ્રીય સહકારી આગળ દિલીપભાઈ સંઘાણી આશે ફંતો સાહેબ અમર કેન્દ્ર ચેરમેન અશ્વિનભાઈ સાવલિયા સાંસદ નારાયણભાઈ કાછડિયા બધા ભોગ ડિસ્પ્લે કરી અને આભારી કરશે તાલીઓના નાથથી આ ભોગ વિમોચન ને પુસ્તક પ્રકાશન ને તાલીઓના નાથથી આપણે બતાવીએ દલિત ચેતના રથ એક વિચાર સમગ્ર હિન્દુસ્તાને પ્રેરણા દીધી હતી એવું રથ હોય તો દલિત ચેતના રથ તાલીઓથી બતાવી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર તમામ પ્રતિકાત્મક લાભાર્થીઓનું વિતરણ કરવા કે લીએ આપકા બહુત બહુ ધન્યવાદ માનનીય જેમને સાંભળવા મારવા મળવા માટે હંમેશા આપણે સૌ ઉત્સુક હોઈએ એવા આપણો રાજસ્વી રત્ન આપણા હૃદયમાં જેમનું સ્થાન છે સ્વહિતને બાજુ પર મૂકી હંમેશા જનહિતના કાર્યોમાં વ્યસ્ત પરસોભાઈ ઉપાલા સાહેબ ઉચ્ચા હાથ કરી જોરદાર તાળીઓથી આપણે બતાવીએ ભારત માતા કી આજ હમારે અમરેલી કે લીએ સૌભાગ્ય કા દિન હૈ आज एक ऐसे महापुरुष हमारे बीच हैं जिनकी अध्यक्षता में मुझे बताते हुए बहुत मैं गर्व महसूस कर रहा हूं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जब अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते पहली बार मुंबई में अपना चार्ज लिया और तब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो ही सांसद थे उस समय उन्होंने मुंबई की धरती से ऐलान किया था बादल हटेंगे
सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। ये वाजपेयी जी ने अपनी पहली सभा में घोषणा की थी, ये कमल जब पूर्णतया खिल गया और भारत देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री जब आरूढ़ हुए, तब इस देश की भारतीय जनता पार्टी के सेनापति जो थे वो राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच में है। दोस्तों, आज अपना अमरेली मां राजनाथ सिंह जी पहली वक्त पधारी रहा थे, એટલે અમરેલીના ખેડૂતો વતી અમરેલીના નાગરિક તરીકે આદરણીય રાજનાથસિંહજીનો ખાતુ ભરીને આવકારતા અત્યંત હર્ષ અને ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું। ભારત સરકારના ગૃહમંત્રી તરીકે રાજનાથસિંહજી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। મેં રાજનાથસિંહજી કોઈ બતાતે હોય મુજબ પ્રસન્નતા હો રહી હૈ कि आप आज ऐसे अवसर पर इधर हो जहां देश के कॉपरेटिव सेक्टर को आप संदेश पूरे देश को दे सकोगे कि जहां जिला की बैंक हो, जिला का दूध उत्पादक संघ हो, जिला का कॉपरेटिव संघ हो, स्टेट की महिला क्रेडिट सोसाइटी हो, जिला की महिला क्रेडिट सोसाइटी हो, इन सारी कॉपरेटिव संस्था की आम सभा खुले मंच में मीडिया के सामने हो, ऐसे अवसर पर आप साक्षी बनने के लिए आ रहे हो। ऐसी घटना हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव क्षेत्र में कहीं पे भी नहीं हो रही, कहीं पे भी नहीं हो रही। ऐसे अवसर पर मैं आपका स्वागत करते हुए बहुत गर्व की लाग रही हूं। दोस्तों, माने आज भाषण में अन्य कोई मुद्दाओं ने छेड़वा नहीं, અમરેલી જિલ્લાના ખેડૂતો ભાઈઓ અને બહેનો બેઠા છે, બહેનો બરાબર 50% હાજરીમાં 51% ઉપસ્થિતિ કરી છે, એટલે બહેનોને હું હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું। ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્પિત હોય એવા કાર્યકર્તાઓ બેઠા છે, મને આવો અવસર પહેલી વખત મળે છે। હું રાજ્યનો પ્રમુખ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જયારે હતો ત્યારે મારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી જેમના શિરે હતી, એવા રાજનાથસિંહજી આ સભામાં ઉપસ્થિત હોય ત્યારે હું દેશના વિકાસની, રાષ્ટ્રના વિકાસની, ગુજરાતના વિકાસની, ખેતીને લગતી બાબતો તમારી સામે રજૂ કરું, એની સાથે સાથે એક કાર્યકર્તાનો વિકાસ અને રાષ્ટ્રના વિકાસ સાથે શું સંબંધ છે, એક કાર્યકર્તાનો વિકાસ અને આ દેશની ખેતીના વિકાસ સાથે શું સંબંધ છે, એક કાર્યકર્તાનો વિકાસ અને દેશની રાજનીતિના વિકાસને શું સંબંધ છે, એનો તાલમેલ કોઈએ જોવો હોય તો રાજનાથસિંહજીના એમના પોતાના વ્યક્તિત્વના વિકાસને આપણે જાણવું। મિત્રો, આમાં એવા ઘણા કાર્યકર્તાઓ મારી સામે બેઠા છે, અહીંયા મંચ ઉપર પણ ઘણા કાર્યકર્તાઓ બેઠા છે જેને યુવા મોરચાના કાર્યભાર સંભાળવાની તક મળી હોય, યુવા મોરચાના પ્રમુખ હોય, જિલ્લાની જવાબદારી હોય, એવી એવી ટીમ અહીંયા બેઠી છે। સાહેબ, 74ની અંદર રાજનાથસિંહજીને મુજફ્ફરપુર જિલ્લાના જનસંઘના ટાઈમમાં સેક્રેટરી તરીકેની જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી 74માં શ્રી રાજનાથસિંહજી જિલ્લા યુવા મોરચાના પ્રમુખ બને, જિલ્લા યુવા મોરચાના પ્રમુખ। મિત્રો, મારી છાતી ગદગદ ફૂટે છે કે હું એવી પાર્ટીનો સભ્ય છું કે જેમાં એક જિલ્લાનો યુવા મોરચાનો પ્રમુખ એ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ સુધીની યાત્રા કરી શકે, એ આપણી સામે છે, એ વ્યક્તિત્વ આપણી વચ્ચે છે કે જે એક જિલ્લાના ઉત્તર પ્રદેશના યુવા મોરચાના પ્રમુખ હોય, પછી એમને તક મળી પાર્ટી તરફથી પ્રદેશ ભારતીય પ્રદેશ ભાજપના પ્રમુખ બન્યા, એની પહેલા રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના પ્રમુખ, રાષ્ટ્રીય યુવા મોરચાના પ્રમુખ ભારતના, અને ત્યાર પછી રાજનાથસિંહજી એ આપણા ઉત્તર પ્રદેશના ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખ બન્યા।
मने एम लागे छे के राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन्या त्यां सुधी मां वच्चे आवता तमाम पदों ऊपर एमने संगठन की जवाबदारी संभाळी एवी कारगिरी साथे राजनाथ सिंह जी ज्यारे जाहेर जीवन मां आगळ वध्या मित्रो मारे दाखलो देवो छे કે તેઓ ઉત્તર પ્રદેશ ની અંદર જયારે શિક્ષણ મંત્રી બન્યા, મને એવું લાગે છે કે અમારા રાજ્યમાં પણ શિક્ષણ વિભાગ ને કૃષિ વિભાગ ને સંબંધ છે. અમારા ભૂપેન્દ્રસિંહજી કૃષિ મંત્રી હતા, એ પછી શિક્ષણ મંત્રી બન્યા. રાજનાથસિંહજી ઉત્તર પ્રદેશ ના શિક્ષણ મંત્રી બન્યા હતા. હું મીડિયાના મિત્રોને યાદ કરાવવા માંગુ છું કે પહેલી વખત સત્તામાં બેઠા પછી જનહિતના નિર્ણયો કેવા થાય, આ કોપી કેસને ગુનો બનાવવાનો નિર્ણય આદરણીય રાજનાથસિંહજી ઉત્તર પ્રદેશ ની અંદર કોપી કરવા વાળાને ગુનો અને એને સજા કરવા માટેનો કાયદો કર્યો. જયારે આગમને બધા ચોપડી લઈને લખવાનો રિવાજ આવતો હતો ત્યારની વાત, એ વખતે એવો એમણે નિર્ણય શિક્ષણ મંત્રી તરીકે કર્યો. ત્યાર પછી રાજનાથસિંહજી એમના પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં વિકાસ કરતા કરતા પ્રદેશ ઉત્તર પ્રદેશ જેવડા મોટા રાજ્યના પ્રમુખ બન્યા. ત્યાર પછી રાજ્યસભામાં આવ્યા, લોકસભામાં આવ્યા, ધારાસભામાં આવ્યા અને રાષ્ટ્રના અધ્યક્ષ તરીકેની જવાબદારી સંભાળી. મિત્રો, સાંપ્રત સ્થિતિમાં જયારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને વિપક્ષ દ્વારા પેલું આપણું કિસાન આયોગ ડોક્ટર સ્વામીનાથન આયોગની ભલામણોનો સ્વીકાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર કરતી નથી એવી વાતો કરનારા વિપક્ષને મારે આજે યાદ કરાવવું છે. આદરણીય રાજનાથસિંહજીની હાજરીમાં આપ સૌ ખેડૂતોના ધ્યાન ઉપર મૂકવું છે. આ ડોક્ટર સ્વામીનાથન કમિશન આવ્યું ક્યારે? મિત્રો, 2003 ની સાલમાં હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિમાં કોઈ વડાપ્રધાનની પાસે કૃષિ વિભાગ હોય, રાજનાથસિંહજી જયારે કૃષિ વિભાગના મંત્રી બન્યા, આદરણીય અટલ બિહારી વાજપેયી વડાપ્રધાન હતા, ત્યારે ડોક્ટર સ્વામીનાથનના કિસાન આયોગની રચના કરવાનું શ્રેય રાજનાથસિંહના કપાળમાં છે. જેમણે ડોક્ટર સ્વામીનાથન કિસાન આયોગ તરીકે નિમણૂક કરી, ત્રણ ની અંદર નિમણૂક કરી, છ ની અંદર ડોક્ટર સ્વામીનાથન એમનો અહેવાલ આપી દીધો, 14 સુધી કેન્દ્રની અંદર કોંગ્રેસની સરકાર રહી, એ અહેવાલ ક્યાં બહારનો છે એ જોવાની જેને તકલીફ ન લીધી, એ લોકો અમને એની એક ભલામણનો સ્વીકાર નથી કરતા એવા સવાલો પૂછે છે, એની ચોખવટ ગુજરાતના ખેડૂતો વતી કરવા માંગુ છું. આ પંચની રચના રાજનાથસિંહજીએ કરી હતી, તમે તો કઈ કર્યું નથી. એ પંચે અહેવાલ આપ્યો, ડા વરા તમારી ખુરશીના ગાંઠના એટલે પડ્યો રહ્યો. ડોક્ટર સ્વામીનાથને આદરણીય રાજનાથસિંહજીના તો ધ્યાનમાં આપ કેસ ધ્યાન મેં તો હોગા હી. ડોક્ટર સ્વામીનાથન ને અભી ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા મેં એક સાક્ષાત્કાર દિયા થા. સ્વામીનાથને પોતે ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાને ઇન્ટરવ્યુ આપીને જણાવ્યું કે મેં 6 રિપોર્ટ આપ્યો હતો, મોદીજી વડાપ્રધાન થયા ત્યાં સુધી મારા રિપોર્ટ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારની કાર્યવાહી કરવામાં આવતી નથી. 2018 ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં આદરણીય નરેન્દ્રભાઈના વડપણ હેઠળ ફરીથી જયારે દેશના કિસાનોનું હિત આવ્યું ત્યારે આ કમિશનની ભલામણો મુજબ આ 150% સમર્થન મૂલ્યની વાત ક્યાંથી આવી? સ્વામીનાથન કમિશને કરી હતી, ચાર પણ કરી હતી, 18 સુધી હું કરતા હતા. આ તો રોલિંગ પોપ છે, તમારે કરવું હતું ને, તમારે જે પોપ તમને કહ્યું હતું એ વિશ્વાસ કશું કર્યું નહીં. અને જયારે 150% સમર્થન મૂલ્ય આપવાની જાહેરાત હિન્દુસ્તાનની ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ વાળી સરકારે કરી અને ખેડૂતોને એ લાભ આપવા માટે આદરણીય ફળદુ સાહેબ જે વિગતો આપતા હતા કે કેવી રીતે ખરીદી કરવાની છે,
पहली वक्त भारत सरकारे त्रण फॉर्म्यूला बनावी है मित्रों, जे आपने जूनी पद्धति की खरीद करता था ए प्रकारे पण खरीद करवामां आवशे, समर्थन मूल्य करता बजार भाव नीचा जशे, तो बने वच्चे नो तफावत ए सीधो खेडूतोना खाता में जाए एने भावांतर की योजना कहेवामां आवे छे, ए विकल्प ने पण भारत की सरकारे खुल्लो मूक्यो छे। त्रीजी वात के आ खरीदी नी अंदर प्राइवेट वेपारीओ ने पण सारी कंपनीओ ने मार्केटिंग यार्डो ने एफपीओ ने आवा जे अनुभवी हशे जेनो ट्रेक रेकॉर्ड सारो हशे एवा लोकोने पण आ खरीदी नी अंदर उतरवा माटे नी तक ए भारतीय जनता पार्टी नी सरकार आपवानी छे। अने ए वखते ए प्रायोगिक धोरणे થવાનું છે, એ બધા જિલ્લાઓમાં નહીં થાય પણ દરેક રાજ્યમાં એક એક કોબે જિલ્લામાં એક એક કોબે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં એ અંતરો પણ કરવાના છે। કહેવાનું તાત્પર્ય એટલું છે મિત્રો કે ખેડૂતોને એનો લાભ મળે એને માટે ભારતની સરકાર ખેડૂતોની સાથે ઊભી છે મિત્રો। સાહેબ લીમડાનો રસ યુરિયાને સડાવવાની વાત એમાં કમિશનમાં જ હતી, આ ખેડૂતોને કૃષિ રથ કાઢીને માહિતી આપવાની વાત એમાં હતી, ખેડૂતોને 0% વ્યાજથી લોન આપવાની વાત એમાં પણ એમાં જ હતી। આદરણીય રાજનાથસિંહજી મેં આપકો સ્મરણ કરાવું કે દિલીપભાઈ સકાણી જબ પહેલી વાર જિલ્લા કી બેંક કે ચેરમેન બને ઉસ સમય એ સામને બેઠે વાલે કિસાન 18% સે ઉનકા ઋણ કા વ્યાજ ચુકાતે થે 18%। आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे दिलीप भाई सकाणी के नेतृत्व में और पूरे राज्य में आज 0% से किसान को ब्याज मिल रहा है 0%। उसमें भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिला के आज किसानों को 3 लाख तक का जो ऋण है वो 0% पे उपलब्ध है। ये वहां तक पहुंची है 18% से 0% तक हम लेके आए। ये काम जब हम यहाँ कर रहे हैं दोस्तों किसानों ने माटे किसानों ने सामेना रिस्क ने कवर करवा माटे फसल बीमा योजना दाखिल करी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कोई खेडूतों ने कोई जिला ने ओछो मिलो वधारे मिलो एने लई अने सरकार ने घेरवानी कोशिश करनाराओ ने मारे आज कहेवुं छे अमरेली ना ખેડૂત તરીકે કેન્દ્રના મંત્રી તરીકે ને અમે આ જિલ્લાના ખેડૂતોએ આદરણીય રાજનાથસિંહજી આપને સ્મરણ મેં રહે છે બતાના ચાહતા અમારા 85 પર પ્રીમિયમ થાય 85 મેં એકદમ રાખવું હોય અમારે ડિસ્ટ્રિક્ટ કો બીમારી મિલા અમારે ફાર્મ કો એક્સેપ્ટ નહીં કિયે ગયે ઉસી સમય વો 85 કા હમારા બીમા કા જબ નિચોડ આયા 2001 में मैं और दिलीप भाई और हमारे जिला के और लोग यहाँ 85 से उसका आंदोलन करते थे। 2001 में जब आपकी सरकार दिल्ली में बैठी आपके अटल जी जब प्रधानमंत्री रहे और अजीत सिंह जी के पास जब कृषि का हवाला था यहाँ नरेंद्र भाई मोदी की सरकार गुजरात में आई मेरे पास कृषि का हवाला था उसी समय 85 का बीमा 2001 में मिला। बताओ कितने किसान तो ऐसे थे जिनको पता भी नहीं था कि ये बीमा मिलने वाला 85 से 2001 में तो बीमा मिल रहा था अब 16 का बीमा 17 में मिले 17 का बीमा 18 में मिले 2 महीना लेट चलता है तो कहते हैं कि आंदोलन करता है। 85 से 1 तक हम लड़े तब आप सब थे कहा મિત્રો આ ખેડૂતોના હિત માટે ખેડૂતોના નામે આંદોલન કરવા વાળાને મારે પૂછવું છે કે તમે તમારો ઇતિહાસમાં ક્યારેક ક્યારેક ખેડૂતોને દેખાડો તમે અમારી પણ વીમાની માંગણી કરો હક છે ખેડૂતોનો અમને તમે જવાબદારી સોંપી છે અમારી પાસે રજૂ કરવાનો તમારો હક છે ઉકેલ કરવાની જવાબદારી અમારી છે આ ચારે આંગળીઓ આ બાજુ રાખી બોલવાની અમારામાં હિંમત છે અમે ઉકેલીશું પણ તમે હું કેનું દીધો કોમતી અઠવાડિયા એક વખત કહેતા જાઓ હવા બપોર હાથ નકરી ગાયું દેવાનો કાર્યક્રમ કરો છો ઇસ પ્રકાર સે જય
युवा मोर्चा की कमान को संभालते हुए हिंदुस्तान की कमान संभालने तक अपना विकास किया, उसी के साथ ही हिंदुस्तान के कृषि का विकास हुआ। हिंदुस्तान में विकास का मॉडल अमल में लाने के लिए हम सक्षम हूं। आज देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ना विकास की साथे विकास ना पाया लगाना। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं इस नगरी में अमरेली में जिस शहर में आप पधारे हैं उनका चीफ ऑफिसर भी रहा हूं, ये दिलीप भाई इसके अध्यक्ष भी रहे। उसी समय 15 मिनट एक बार पानी देने के ऑर्डर है, इसमें मेरी खुद की साइन है। 15 दिन से 15 मिनट पानी मिलता था, कहां थे इस कांग्रेस के नेता, कहां था इनका विकास का मॉडल? मैं बता सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तपस्या की और गुजरात की गांधी गुजरात की जनता ने प्यार से भारतीय जनता पार्टी को दी। आज अमरेली में नित्य प्रतिशत दररोज मां नर्मदा का पानी पीने का सौभाग्य दे चुके हैं, पानी मिल गया है। आप आगामी अनेक बातों को करी सको, अनेक लोगों ने भूलवा गुमराह करने जो कार्यक्रमों चलाई रहा है, मारी खेडूतों ने मैं हाथ जोड़ी ने विनती है मित्रों के सवालों समस्याओ हे एनो उकेल आपने साथे बेसी ने अवश्य लावीशु, जरूर लावीशु, अने तमे इच्छो एवो लावीशु, पण आ जेमनी पाछळ भटकवानी आपणे कोई आवश्यकता नथी। ए लोकोने मात्र सत्ता थी जे छेटू पड़ी गयू छे ई सिवायनो कोई रस नथी। आवा माहोलमां वधारे वातो नहीं करता। आजे आपणने एक एवं व्यक्तित्व आज आपनी वच्चे पुनः अमरेली जिला की जनता वती, अमरेली जिला ना कार्यकर्ताओ वती, अमरेली जिला ना सरकार जगत वती हूँ आदरणीय राजनाथ सिंह जी नो हृदयपूर्वक आभार मानू। एक एवा नेता आज आपनी वच्चे छे के जेमणे पोताना तप ने कारणे पोताना पुरुषार्थ ने कारणे हिंदुस्तान नी राजनीति मां भारतीय जनता पार्टी ना सूर्य ने मध्यांत सुधी लई जवानो यश जेमनी हथेळी मां लखायेलो छे એવા નેતા જયારે આપણી વચ્ચે છે ત્યારે વધારે સમય આપણો ના લેતા હું આદરણીય રાજનાથસિંહજીને વિનંતી કરું છું કે વધારે ઓર યદિ કોઈ ફોર્માલિટી નહીં હૈ તો આપ હમ સબ કિસાનો કા માર્ગદર્શન કરે આદરણીય રાજનાથસિંહ। आपको सुनने के लिए पूरे अमरेली प्रांत से सब किसान अपने परिवार के सभ्यों के साथ यहाँ और उपली मंजिल पे डिस्प्ले के माध्यम को आपको सुनने वाला है। जोरदार तालियों का विनती अपने माननीय राजनाथ सिंह के नाम करिए। कल रात दुर्भाग्यवश हमारे नेता सम्मान राजनाथ सिंह जी को 100 से ऊपर का फीवर हो गया। नेता किसको कहते हैं, 101 का फीवर हो, हिंदुस्तान का गृह मंत्री हो, फिर भी एक हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए अपनी तबीयत का भी ख्याल न करते हुए आपके बीच में बता रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिवादन। रूपाला जी ने हर बार बात बता दिया, भारत सरकार में हमारे मित्र और कृषि राज्य मंत्री श्रीमान पुरुषोत्तम भाई जी रूपाला और पूर्व सांसद एवं चेयरमैन जिला सहकारी संस्थाएं श्रीमान दिलीप भाई जी शंगाड़ी और हमारे गुजरात सरकार के मंत्री श्रीमान आरसी फालतू जी और स्थानीय सांसद श्री नारायण भाई काशड़िया और चेयरमैन महिला क्रेडिट सोसाइटी श्रीमती गीताबेन जी संघाड़ी और इस
पंच और बहुत हमारे पूर्व विधायक बाबा कुभाई बाबू भाई मुंडा यक्ष मिनिस्टर गुजरात स्टेट और मनसुख भाई गोवा यक्ष मेले और श्री शरद भाई लखानी और साथ ही मुझे यह जानकारी दी गई कि श्री द्वारकादास पटेल इस कार्यक्रम को आयोजित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस कार्यक्रम में बहुत मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों सबसे पहले तो मैं इस हो जाओ बाबा की धरती पर अपनी तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। अमरेली ना खेलतो ने राम राम क्या छो जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों आप सबसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई है। भारत का गृह मंत्री होते हुए भी यदि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी किसानों से संबंधित कार्यक्रम होता है तो मैं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निश्चित रूप से जाता हूं और जहां तक अमरेली में आने का सवाल था हमारा श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला से केवल एक राजनीतिक रिश्ता ही नहीं मानता हूं बल्कि मैं पुरुषोत्तम भाई रूपाला से अपना एक भावनात्मक रिश्ता भी मैं मानता हूं। धरती से जुड़े हुए नेता किसानों के बीच ता जिंदगी उन्होंने काम किया इसलिए क्यों ही उन्होंने आग्रह किया कि मैं अमरेली जिले की एनुअल जनरल मीटिंग जो कॉपरेटिव की होती है उसमें मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। तो मेरे बहनों भाइयों सहज रूप से उनके निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया और आप सबके बीच यहां पर उपस्थित और सचमुच यह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। कई कोऑपरेटिव के लोग एक स्थान पर करते थे कृषि क्षेत्र में मैं लंबे समय तक काम करता रहा हूं। मैं कह सकता हूं बिरले ही हिंदुस्तान में कहीं भी प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा जो दृश्य आज मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसलिए भी मैं अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूं। भारत जैसा देश जहां पर आर्थिक विषमताएं भी हैं यह अवसर है कि हमारे प्रधानमंत्री ने आर्थिक विषमता की खाई को कम करने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है और लगातार यह प्रयत्न उनकी तरफ से जारी है। यहां पर बहुत सारे लोग अमीर हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी और गुर्बत की जिंदगी वह जीने का काम कर रहे हैं। यहां तक कि भारत में पिछड़े भी हैं वंचित भी हैं गरीब तबके के लोग भी यहां पर रहते हैं लेकिन आज के कुछ वर्षों पहले तक हालात इस हिंदुस्तान में ऐसे थे इनको यदि छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं से कर्ज की जरूरत पड़ती थी तो उनको बैंकों से कर्ज नहीं मिलता था बल्कि साहूकारों और सूदखोरों के हाथ से जाकर उनको कर्ज लेना पड़ता था। और मैं कह सकता हूं इन साहूकारों से और इन सूदखोरों से यदि किसी ने किसी संस्था ने हिंदुस्तान में मुक्ति दिलाने की या उससे आजादी दिलाने की पहल किसी संस्था ने की है तो इसे हिंदुस्तान की कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने की है। और आज का यदि हम परिदृश्य देखें तो मैं यह मानता हूं कोऑपरेटिव या सहकारिता यह हमारी एक राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है नेशनल नेसेसिटी है। यह कोऑपरेटिव न हो तो सचमुच बहुत सारी चुनौतियां जो हमारे सामने हैं उन सब सारी चुनौतियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो कोई भी चीज जब राष्ट्रीय आवश्यकता बन जाती है तो राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उचित एवं पूरी प्रतिबद्धता के साथ उपयोग करते हुए आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ मैं यह मानता हूं
तमाम अन्य चुनौतियों को न केवल उनका डटकर सामना ही किया जाना चाहिए बल्कि मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं उस पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है। मेरे बहनों भाइयों, कोऑपरेटिव सोसाइटी का जहां तक सवाल है, इसका इतिहास बहुत पुराना है, आजादी के पहले का इसका इतिहास है। और यह भी सच है, हमारा यह भारत देश यह कृषि प्रधान देश है और बड़ी संख्या में यहां के किसानों को आर्थिक दृष्टि से बहुत सारी संस्थाओं पर व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में किसानों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी आंदोलन का है तो सहकारिता आंदोलन का योगदान यह सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, भारत में व्हाइट रिवोल्यूशन, सफेद क्रांति, भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन, इसे हरी क्रांति कहते हैं, इसको लाने में भी यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो सहकारिता आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान है। आज इस अमरेली जिले की सभी सहकारी संस्थाओं की एक साथ एनुअल जनरल मीटिंग आयोजित की गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है, मगर उससे बड़ी बात यह है मेरे दोस्तों कि सहकारी समितियों के भी इतना बड़ा सहयोग हमको अन्य स्थानों पर देखने को कम मिलता है जितना बड़ा सहयोग हमको अमरेली में देखने को मिल रहा है। इसलिए भी मैं आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के तौर पर या गुजरात भी, कभी महाराष्ट्र नहीं, या अमरेली जिले अर्थव्यवस्था यहां के इतना भी मुख्य रूप से निर्भर है तो कृषि पर आधारित, जहां ज्यादातर छोटे यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर से अमरेली जिले में रहते हैं, यह मुझे बताया गया है। और मुझे जानकर इस बात की बेहद खुशी हुई है कि यहां जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड और अमरेली जिला कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड ने इस क्षेत्र में विकास में काफी अहम भूमिका निभाई है। मैं इस कोऑपरेटिव के एक सक्सेसफुल के मॉडल के रूप में अमरेली की कोऑपरेटिव को मैं देखता हूं और सचमुच अमरेली का जो यह मॉडल है कोऑपरेटिव का, ये सारे हिंदुस्तान के लिए एक आइडियल मॉडल है, यह मेरी धारणा यहां आकर रहे। गुजरात और महाराष्ट्र के भारतीय सहकारिता आंदोलन की नर्सरी माना जाता है, सहकारिता आंदोलन की नर्सरी यदि हिंदुस्तान का कोई राज्य है तो महाराष्ट्र है, वह गुजरात है। और यहां की धरती पर ही जो सहकारिता का पौधा लगाया गया है आज पूरे हिंदुस्तान में विशाल पट वृक्ष बनकर तैयार हो गया है। मेरे बहनों भाई, मैं गुजरात की जनता को इस कॉपरेटिव मूवमेंट के लिए मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। गुजरात की जनता का जितना बड़ा योगदान है यह हिंदुस्तान का सहकारिता क्षेत्र उसे कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक सहकारिता और गुजरात के बीच चर्चा होती है तो एक नाम बड़ी प्रमुखता के साथ लिया जाता है, वह नाम है माननीय लक्ष्मण राव ईमानदार का नाम है, जो बहुत ही इसकी चर्चा होती है, जिन्हें वकील बाबू के नाम से मुझे बताया गया कि उस समय लोग पुकारते हैं, उन्हें सहकार भारती का संस्थापक भी लोग मानते हैं, यह मुझे जानकारी दी गई। और उन्होंने हजारों इस प्रकार की सहकार समितियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां तक वकील बाबू यानी माननीय लक्ष्मण राव ईमानदार की बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करते हुए सहकारिता आंदोलन को पूरे गुजरात में बढ़ाने में योगदान किया है। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई 2017 में जब ईमानदार जी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी, स्वयं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उस शताब्दी समारोह में उन्होंने भाग लेकर ईमानदार जी के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया था और श्रद्धांजलि अर्पित की। आज यदि मैं अमरेली की धरती पर यहां पर मौजूद हूं तो बहनों भाइयों, मैं भी अपनी तरफ से श्री लक्ष्मण राव जी ईमानदार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और यह भी मैं कहना चाहूंगा, चूंकि यहां पर आप लोग
सहकारिता आंदोलन की एक रोशनी जला रहे हैं, एक ज्योति जला रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे यही विनती करना चाहता हूं, श्री लक्ष्मण राव जी ईमानदार ने सहकार की जिस भावना को उसे आगे बढ़ाया, उसे आपको और मजबूती से आगे बढ़ाना होगा, यही संकल्प लेने की आवश्यकता है। लक्ष्मण राव जी ईमानदार का एक घोष वाक्य था, बिना संस्कार नहीं सहकार, बिना संस्कार नहीं सहकार, और बिना सहकार नहीं उद्धार, यह उनका एक घोष वाक्य था। यह बात मुझे आपके सहकारिता आंदोलन से जुड़े लोगों से बेहतर कोई और दूसरा नहीं समझ सकता, और मेरा पूरा विश्वास है सहकार यानी कोऑपरेटिव के माध्यम से, म्यूचुअल कोऑपरेशन से, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है मेरे बहनों भाइयों। और यदि आपने गुजरात में यह करिश्माई काम किया है तो उसका सबसे बड़ा कारण है म्यूचुअल कोऑपरेशन, परस्पर सहकार, जिसके कारण आपने इतना बड़ा काम गुजरात में करने में कामयाबी हासिल की। मनुष्य के पास केवल ज्ञान है, मनुष्य केवल ज्ञानी हो जाने के कारण ही सब कुछ नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य ज्ञानी हो तो उसकी भूमिका समाज के लिए बहुत कल्याणकारी होगी। जब तक ज्ञान के साथ संस्कार नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति की भूमिका समाज के लिए कभी कल्याणकारी नहीं होगी। अब जब ज्ञान के साथ संस्कार यदि जुड़ जाता है तब वह समाज के लिए कल्याणकारी बन जाता है, लेकिन ज्ञान और संस्कार का रिश्ता टूट जाता है तो वही ज्ञान समाज के लिए विनाशकारी बन जाता है। सही मायने में सहकारिता आंदोलन यहां पर मैं देखता हूं अपने लिए संस्कार है, और यह संस्कार पैदा होता है जुड़ने से और साथ ही साथ जोड़ने से। जुड़ते और जोड़ते हुए कोई भी युवा कहां इस तक पहुंच सकती है मेरे बहनों भाइयों। सबसे बड़ा उदाहरण इस हिंदुस्तान में किसी को देखना है तो गुजरात की धरती पर आकर देख सकता है कि जुड़ने से और जोड़ने से कितना आगे बढ़ा जा सकता है, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है, यह गुजरात की धरती पर आकर देखा जा सकता है। मैं भूल नहीं सकता आनंद, आनंद में अमूल की दुकान ने आज कितना बड़ा वहां परिवर्तन ला दिया, और आनंद की अमूल की जो शुरुआत हुई आज कितना बड़ा स्वरूप ले चुकी है, आप इसे अच्छी तरह परिचित हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आज अमूल एक सहकारी समिति होने के बावजूद हर की किसी भी बड़ी कंपनी से किसी मामले में वह कमतर नहीं है। मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे कि अमूल आज काफी आगे निकल चुकी है, और आज भारतीय सहकारी आंदोलन पूरी दुनिया में सबसे बड़े सहकारिता आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और इसका भी श्रेय इस हिंदुस्तान में विशेष रूप से भी मैं देना चाहता हूं किसी को तो गुजरात और महाराष्ट्र को ही देना चाहता हूं कि आज भारत का ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, भारत का सहकारिता आंदोलन दुनिया में यह सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मूवमेंट बन गया है। और भारत में सहकारिता समितियां देश के कोने कोने में मौजूद है। हां, यह हमारे लिए चिंता का विषय है, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सहकारी समितियों को इतने प्रभावी तरीके से काम करना चाहिए वह नहीं कर रहे। और वर्तमान में जो मुझे जानकारी दी गई है, जो मुझे जानकारी दी गई, 5,89,000 कोऑपरेटिव कमेटी हमारे देश में काम कर रहे हैं, और इसमें लगभग 25 करोड़ से अधिक उसके मेंबर हैं। और कृषि के साथ साथ खेती बाड़ी के साथ डेयरी, चीनी, मत्स्य पालन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहकारी समितियां अपनी बहुत ही प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। और केवल प्रभावी भूमिका का ही निर्वाह नहीं कर रही है बल्कि वह परिणाम भी देने का काम कर रही है। और मेरे बहनों भाइयों, विशेष रूप से इस देश में
कृषि कार्यों के लिए ऋण की ब्याज दर अगर कहीं पर सबसे कम है तो वह सहकारी बैंकों में है, सब कोऑपरेटिव बैंक में है, जैसा पुरुषोत्तम महाराज जी ने कहा। जब अटल जी की सरकार, अटल जी के सरकार में मैं भी कृषि मंत्री था, मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मैं अटल जी के पास, मैंने कहा अटल जी खेती बाड़ी के बारे में, कृषि क्षेत्र के बारे में मैं पहले से जानता हूं, किसानों से मैं जुड़ा हूं, और मैंने देखा है कि मोटर कार खरीदने के लिए कोई बैंकों में कर्ज लेने जाता है तो उसे कम ब्याज दर पर कर्ज मिल जाता है, लोन मिल जाता है, लेकिन हमारा किसान खेती बाड़ी के काम काज के लिए भी बैंकों से कर्ज लेने जाता है तो उसको उससे अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे अधिक ब्याज दर पर उस पर कर्ज मिलता है। तो उसमें अटल जी ने कहा था कि राजनाथ सिंह आप वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बैठकर फैसला कीजिए, और मैंने उस पर बैठक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी मौजूद। और मेरे भाइयों, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसानों के कर्ज पर ब्याज दर यदि कम हुआ है तो आगे जाकर बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से उसी समय कर्ज यह ब्याज दर कम हुआ है 2003 में। और आज जब रूपाला जी ने यह बताया कि यहां की क्वालिटी बैंक 0%, दिलीप जी भी बता रहे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ब्याज दिया जाता, पहले भाइयों मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की जानकारी, मुझे पहले नहीं, पहली बार ये मुझे जानकारी। और मैं बताना चाहता हूं 2006 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना तो उसमें सबसे पहले गुजरात में फाइनेंस मिनिस्टर थे येद्रप्पा, कर्नाटक में फाइनेंस मिनिस्टर येद्रप्पा जी, उनसे तब का रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 करवाया था। शिवराज सिंह जी चौहान जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा आप भी कम करिए, और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर उनको भी कहा कम करिए, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर वसुंधरा जी को भी कहा मैंने कम करिए। पहली बार वहां पर इन लोगों से रेट ऑफ इंटरेस्ट कृषि ऋण पर, एग्रीकल्चर लोन पर कम कराया, और मैंने कहा था कि इसको प्रतिवर्ष कम करते चले जाइए और किसानों को कम से कम एक वर्ष के लिए 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर्ज दिया जाना चाहिए। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं यहां, मेरे बहनों भाइयों, आप सभी ने यहां के किसानों को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो कर्ज दे रहे हैं, यह जानकारी प्राप्त करके मुझे लगा भले ही मैं बीमार रहा, अच्छा हुआ मैं आ गया और मेरा आना है सार्थक हो गया कि सूचना को प्राप्त कर। और मैं जानता हूं इस समय हालात ऐसे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट रेट टाइट किया जा रहा है, टाइट हो रहा है, और आरबीआई द्वारा ब्याज दरें भी बढ़ाई गई है, मानी जनता के हित में बढ़ाई गई है ब्याज दरें। ऐसा नहीं है कि आपकी डिपॉजिट है, कुछ है, पीपीएफ है, उस पर आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया है, लेकिन मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट और हमारी सरकार कम करना चाहती है, हमारे प्रधानमंत्री भी कम करना चाहते हैं, और कम से कम स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनके लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर्ज मिल सके, यह हमारी सरकार की कोशिश बनी हुई है। और जैसे अनुपाला जी ने बताया, हमारे प्रधानमंत्री की यह भी घोषणा है कि 2022 आते आते जो हम अपने नए भारत के सपने को साकार करना चाहते हैं, हमारे हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी जितनी आज है, यानी जितनी सोल 2017 में थी उससे बढ़कर वह 2 गुनी हो जाए, यह उनका लक्ष्य है। और मैं यह मानता हूं कि बहुत बड़ा संकट है और इसके लिए कई कदम भी हमारी सरकार ने उठाए। वैसे भी आज भी मैं देखता हूं देश के कई राज्यों में कृषि और किसानों के प्रति एक संकट दिखाई देता है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कृषि क्षेत्र को जो प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, कृषि क्षेत्र को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वह आजाद भारत के प्रारंभिक कालों में वह प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को नहीं मिली। और अटल जी ने भी कई नई शुरुआतें की, और हमारे मोदी जी ने भी कई प्रकार की शुरुआतें की। आप सबको जानकारी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस
एकाएक कितनी जंप लेने का काम हमारी सरकार ने किया है बहनों भाइयों, मैं तो जिंदगी में कभी कल्पना नहीं कर सकता था कोई ऐसा साहसी प्रधानमंत्री आएगा कि 200-250 रुपए का 300 रुपए का पर क्विंटल जंप ले ले मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये करिश्मा ही काम किया है। और आगे भी प्रतीक्षा करिए, ऐसा ही नहीं है एक बार करके हम लोगों ने चुप्पी साफ ली हो, आगे भी कुछ होकर रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस यानी फसलों की कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसको रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी रूपाला जी ने चर्चा की है, वो भी एक अच्छा कदम है। और मैं बहनों भाइयों क्या मानता हूं, जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं तब तक चाहे हम जो भी कर लें, चाहे जितनी भी इंडस्ट्री लगा लें, चाहे जो भी कर लें, तब तक हमारा यह हिंदुस्तान किसी भी सूरत में खुशहाल नहीं हो सकता। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उत्पादक यानी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उपभोक्ता यानी सबसे बड़ा कंज्यूमर, सबसे बड़ा लगभग 50% से अधिक यदि कोई है तो देश का किसान। यदि किसान के हालात में भी सुधार हो जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान के हालात में सुधार लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। और हम भारत को एक विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति तभी बन सकता है जबकि गांव गली और गलियारों में रहने वाले हमारे किसानों और गरीबों का आर्थिक दृष्टि से योगदान हो। वह संभव है कृषि के माध्यम से, कृषि आधारित उद्योगों के माध्यम से, कृषि आधारित अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से ही वह संभव है। और हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं, बार बार कहते हैं, भारत का उदय यदि होगा और भारत का उदय हम देखना चाहते हैं बिना ग्रामोदय के नहीं। और कॉपरेटिव्स में मैं मानता हूं कि ग्रामोदय की दृष्टि से बहुत ही अपनी प्रभावी भूमिका निभा रहा है। आप पिछले आजाद भारत के कई बजट को केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट को उठाकर देखें, बहनों भाइयों यदि रेट ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की दर को भी यदि आप तोड़ लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए पहली बार किसी सरकार ने 14,00,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है आजाद भारत के इतिहास में, यह पहली बार, इसके पहले कभी नहीं था। और मैं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र में विकास और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर भी काफी ध्यान देने की जरूरत है। केवल फसल पैदा कर दिया, बाजार में ले जाकर बेच दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। जितना कर सकते हैं, सबकी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, जितना कर सकते हैं उतना करें, मार्केटिंग की मुकम्मल व्यवस्था यह सब करने की आवश्यकता है। और यह काम हर किसान अकेले करना चाहे अपने स्तर से, वैल्यू एडिशन का, मार्केटिंग का, तो अकेले एक किसान नहीं कर सकता, सारे किसानों को सहकारिता के माध्यम से जुड़कर इस काम को करना पड़ेगा। और आप जानते भी हैं बहनों भाइयों, एक और एक मिलकर दो ही नहीं होता, एक और एक मिलकर 11 भी होता है, यह भी हिंदुस्तान के किसानों को समझना चाहिए। और 21वीं शताब्दी में एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसका सूरज फिर से उदय होगा, यह मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं। यह मेरा पक्का मानना है कि यहां पर फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर का उदय होगा। ऐसा मानने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि लंबे समय तक विदेशों में खाद्यान्न की कीमत तरह तरह से डिप्रेस की गई यानी कम की, ताकि दुनिया के दूसरे देशों के लोग उन विदेश में विदेशी खाद्यान्न को खरीद सके और उन विदेशों को अधिक से अधिक हम उन देशों से वहां पर पहुंच सके, उनकी आमदनी बढ़े। परंतु मैं अब कह सकता हूं कि हमारे भारतीय किसानों ने कृषि में वैल्यू एडिशन के माध्यम से
दुनिया में सैकड़ों बिलियन डॉलर के फूड मार्केट में अपनी जगह हिंदुस्तान के किसान अब बना रहे हैं और बड़ी तेजी से बना रहे हैं। फूड मार्केट ये हमारी बहुत बड़ी तरक्की। और जैसा कि मैंने कहा और हमारे सामने अमूल का उदाहरण भी है, किस तरह गुजरात के किसानों ने सहकारिता के माध्यम से एक सेलिएबल यानी बेचने के लिए और साथ ही साथ स्केलेबल एक ऐसा मॉडल तैयार किया है। और मेरा यह भी मानना है कृषि के साथ साथ बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर में भी सहकारी समितियां इस समय विशेष रूप से महाराष्ट्र गुजरात में काम कर रही हैं और देश के अन्य राज्यों में भी काम करने की आवश्यकता है। और भारत का जहां तक सवाल है, भारत के हर एडल्ट हर व्यक्ति का खाता खोलने का जो सिलसिला हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है जनधन योजना के माध्यम से, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जी किसी ने निभाई है, आप जैसे सहकारी मित्रों ने निभाई है कोऑपरेटिव कमेटीज में जनधन खाते खोलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां तक बहनों भाइयों, भारत में धनी लोगों को तो बैंक से कर्ज आसानी से हमेशा मिलता रहा, परंतु भारत के गरीबों को बैंक और अन्य संस्थाओं से कर्ज मिलने की गुंजाइश बहुत ही कम रही। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना चलाई और करोड़ों की संख्या में मुद्रा योजना के माध्यम अब ये गांव में रहने वाले हमारे किसानों को गरीबों को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने लेकर चार वर्षों में हर गरीब परिवार का जहां खाता खोला है वहीं पर 32 करोड़ से अधिक बचत खाते खोले गए और इनमें से मुझे जान कर पूछी है यहां बहने बैठी हैं जितने लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाते खोले गए मेरी बहनों 53% के लिए अकाउंट किसी का है तो आपका 53% अकाउंट। तो मैं तो यह मानता हूं कि इसकी वीमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक प्रभावी कदम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन आर्थिक समावेश तो है ही, लेकिन महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से यह एक आवश्यक कदम है। और मेरा यह भी मानना है मेरे बहनों भाइयों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भले ही इंदिरा जी ने 1969 में कर दिया हो, मगर उनका नेशनलाइजेशन इंदिरा जी ने भले ही उस समय कर दिया हो, लेकिन इस हिंदुस्तान में बैंकों का जनरलाइजेशन यानी सामान्यीकरण करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो भारत माता के सपूत का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। नेशनलाइजेशन तो इंदिरा जी ने किया बैंकों, लेकिन जनरलाइजेशन बैंकों का सामान्यीकरण यह नरेंद्र भाई मोदी ने किया। और एक संस्था है शायद आप जानते होंगे यदि पढ़ा होगा, फिनटेक्स रिपोर्ट से आप सभी परिचित होंगे तो आपको जरूर यह जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में जितने सेविंग अकाउंट खोले गए हैं उनमें 50 वर्ष से विगत कुछ वर्षों में 3-4 वर्षों में जितने सेविंग अकाउंट खोले गए उसमें 50% से ज्यादा सेविंग अकाउंट कहीं खोले गए हैं तो केवल और केवल भारत में खोले गए। और इसमें भी कोऑपरेटिव बैंक की बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं को का वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रधानमंत्री जनधन योजना को दर्ज कर दिया गया है, ये हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए गौरव का विषय। और मेरे बहनों भाइयों, जनधन योजना के अंतर्गत पहले 5,000 का ओवरड्राफ्ट मिलता था, 10,000 का मिलता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी वह भी पहले 1,00,000 रुपए का था वह भी बढ़ाकर 2,00,000 रुपए कर दिया गया। और आज जब इस मंच पर मैं देख रहा था बहुत सारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को जब यह लाभ प्राप्त हो रहा था, चेक दिए जा रहे थे, तो आप एक अपना ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो कि आर्थिक संकट की स्थिति में उनका परिवार टूट जाता वो टूट जाते, लेकिन आज इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और पूरा वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। और यह तब जो बहुत सारी योजनाएं चल रही है जो हम मुद्रा बैंक से नहीं जो कर्ज ले वो लेकर चुकती नहीं है, या आपको कोई पहले कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा बैंक को तब आपको कर्ज मिलेगा,
यह सब बहुत सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने दी है और मैं यह मानता हूं कि कोऑपरेटिव कमेटी जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है स्मॉल और माइक्रो फाइनेंसिंग की और इस भूमिका को और अधिक आगे बढ़ाएं ताकि जो साहूकारी प्रथा है वो पूरी तरह से हिन्दुस्तान में समाप्त होनी चाहिए। यह हमारी इच्छा है। और एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाई, जिसका कि अपने भाषण में अभी उल्लेख किया है, बैंकिंग के साथ साथ हाउसिंग सेक्टर में भी कोऑपरेटिव कमेटीज को आगे आने की जरूरत है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 साल के आते हैं हाउसिंग फॉर ऑल, यानी देश में एक व्यक्ति विशेष नहीं बचना चाहिए जिसको अपना सिर ढकने के लिए छत की सुविधा मुहैया न हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यदि हम इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमारी कोऑपरेटिव कमेटीज को हाउसिंग सेक्टर में भी काम करने की आवश्यकता है। और मैं कह सकता हूं अन्य संस्थाओं की अपेक्षा बेहतर तरीके से एफोर्डेबल हाउसिंग यदि कोई मुहैया करा सकता है, यानी और सस्ते दर पर घर यदि कोई मुहैया करा सकता है तो यह हमारी कोऑपरेटिव जो कमेटी है यह मुहैया कर सकते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए इसका कितना बड़ा योगदान है उसको विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं। बहनों का सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह यह भी सारे हिंदुस्तान में यह कमाल का काम करता है, करिश्माई काम करता है। और मेरे बहनों, मैं तो रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो आप नीचे पापड़ तैयार करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लोग भी उसे पसंद करते हैं और सारे हिंदुस्तान के लोग उसे पसंद करते हैं। आज यदि मैं बहुत सारी कमेटीज की कोऑपरेटिव के बारे में यदि मैं चर्चा कर रहा हूं, इफको और गृह इन दो की यदि मैं चर्चा न करूं तो मैं समझता हूं कि हमारी बात यह अधूरी रह जाए। और मैं कह सकता हूं कि दोनों संस्थाओं ने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मैं यह भी मानता हूं यह संस्थाएं जो काम कर रही हैं अब केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खाद की जगह अब ऑर्गेनिक और वर्मी कल्चर को भी बढ़ावा देने की दृष्टि से भी इन दोनों संस्थाओं को इफको को और ग्रिल को यह काम करने की जरूरत है। और मैं कह सकता हूं कोऑपरेटिव यदि केमिकल फर्टिलाइजर को छोड़कर यदि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर किसानों को उपलब्ध करवाती है, वर्मी कल्चर को यदि बढ़ावा देती है तो निश्चित रूप से भारत में ही बल्कि सारी दुनिया में हमारे किसानों को बहुत ही शानदार मार्केट मिलेगा और हमारे हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और केंद्र सरकार भारत में सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दे रही है। नेफेड के माध्यम से केंद्र सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपए की अभी हाल में ही गारंटी दी है, 40,000 करोड़ गारंटी दी हमारी और सहकारिता पर विश्वास मेरे बहनों भाइयों केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ा है। आपको जानकर गौरव की अनुभूति होगी जब सहकारिता के प्रति रुझान भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ा है। जब अमेरिका में 2008 में आर्थिक मंदी आई थी तो वहां पर भी अमेरिका की सरकार भी कोऑपरेटिव पार्टीज बनाने के लिए मजबूर हो गई थी और आज अमेरिका में भी कोऑपरेटिव पार्टी इस समय काम कर रही है। यानी यह मैं कहना चाहता हूं कि जिन देशों में कॉरपोरेट कल्चर था अब वह भी कॉरपोरेट कल्चर से धीरे धीरे कोऑपरेटिव कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, कॉरपोरेट कल्चर से कोऑपरेटिव कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी सहकारिता का दुनिया में कितनी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है कहीं दो मत नहीं है कि पक्का विश्वास पक्का भरोसा मेरे बहनों भाई होना चाहिए। भारत में सहकारिता का भविष्य उज्जवल है, भारत में सहकारिता का भविष्य उज्जवल है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां के किसानों का भविष्य भी उज्जवल रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।
और मैं यह मानता हूं जैसे कारपोरेट लीडरशिप कारपोरेट लीडरशिप की एक मान्यता सारे विश्व में रहती है, वह दिन दूर नहीं है कि अब कारपोरेट लीडरशिप की जगह है अब कोऑपरेटिव लीडरशिप की मान्यता भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हो जाएगी, बढ़ने जा रही है। कोऑपरेटिव लीडरशिप में कौन आगे लोग उसकी ओर देखेंगे, ऐसा मेरा मानना। इन सब सारी चीजों के अतिरिक्त मेरे बहन भाइयों सहकारिता के बारे में एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देश का भले ही आर्थिक विकास हो जाए, जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ जाए, पर कैपिटा इनकम बढ़ जाए, यह होने में पर्याप्त नहीं है बल्कि आवश्यक यह है परस्पर भाईचारा भी होना चाहिए। लेकिन जब आप भी हिंदुस्तान के किसी कोने में इस प्रकार की घटनाएं देखते होंगे सुनते होंगे, कोई किसी को दौड़ा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, जाति वजह धर्म के नाम पर नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहा है, रेडिकलाइजेशन और अधिक प्रमोट करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ ऐसी भी ताकतें हैं नेशनल और इंटरनेशनल जो भारत को डिस्टर्बाइज करने की भारत को अस्थिर करने की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा इन परिस्थितियों में भी सबसे प्रभावी भूमिका इस हिंदुस्तान में कोई निभा सकता है तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी निभा सकती है, हमारा यह पूरा विश्वास परस्पर भाईचारा लोगों के अंदर विकसित करने में यानी भाईचारे का एक स्वभाव यह पैदा करने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपकी कोऑपरेटिव कमेटी भी कर सकती है। मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने बहुत ही शानदार यहां पर कार्य किया और मैं सचमुच पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है, बहुत प्रभावी काम किया है और आपको ही बधाई नहीं देना चाहता, पूरे गुजरात की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर में बोलते काम किया है। और मैं तो ईश्वर से यह प्रार्थना करके जा रहा हूं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, बहन भाइयों दिल की गहराई से ईश्वर से प्रार्थना करके यह जा रहा हूं भविष्य में आपको और अधिक कामयाबी मिले, भविष्य में आपको और अधिक कामयाबी मिले और आप अधिक और ऊंचाइयों को छू पाने में कामयाब हों, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और साथ ही साथ पुरुषोत्तम महाराज जी मैं आपने किसानों के लिए किया बहुत आपका आभारी दिलीप जी, आप सबने यहां बुलाकर बहुत बड़ा काम किया है, हमारे कृषि मंत्री फलों जी आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों की अपना मार्गदर्शन में आपने जोरदार तालियों की बधाई।